देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नवादा जिले में भीम राम अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान वहां पर जाकर उनकी प्रतिमा पर अनावरण किए, साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा बोला है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने हमला करते हुए बोला है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दलितों के लिए आज तक कुछ भी नहीं की है, हमेशा दलितों को दबाते रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से रोजगार की बात कर रही है महागठबंधन की सरकार, जरा बता दें कि आज तक उन्होंने कितना रोजगार दिया है। हमेशा वो दलित को दबाते हुए आए हैं, हमेशा वो बिहार के विकास में बाधा बन के नजर आए हैं। कभी भी बिहार के विकास के लिए उन्होंने सोचा, वो हमेशा अपनी पार्टी के विकास के लिए सोचते रहे हैं। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं पूरी बातों के साथ। दीजिए, मेरे नेता ने पिछले 50 साल अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया बिहार और बिहारियों के लिए। मैं भी अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा अपने नेता के सपने और अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए। आप लोग एक कदम चलेंगे, मैं 10 कदम चलूंगा, ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जाने से पहले बस ये विश्वास आप लोगों से चाहता हूं कि चिराग पासवान एक लंबी लड़ाई पर निकला है। इस लड़ाई में बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे समाप्त करना चाहती हैं, मुझे खत्म करना चाहती, पर उसमें सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है। जब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जब इन लोगों को लगा कि मेरे परिवार को तोड़कर, मेरी पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को अकेला कर देंगे, उस वक्त आप सब ने अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज चिराग पासवान उतनी ही मजबूती से आप लोगों के सामने खड़ा है, जिस मजबूती पर हमारे नेता हम लोगों को देखना चाहते हैं। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद ने ही आज चिराग पासवान को जिंदा रखा है। ये वादा करके जाता हूँ, आप लोग सिर्फ अपना साथ दीजिए, बदले में बिहार को विकसित राज्य बना के देने का वादा मैं आप लोगों से करता हूँ। और अंत में साथियों, बस इतना ही बोलूंगा कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा, ये वादा आप लोगों से करते जाता हूँ। एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाकर इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सबका मैं दिल से खड़ा हो गया। साथियों, आने वाला समय पुनः हम सबको एक मौका देगा। आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव करीब है और संभवतः उसी के साथ बिहार के विधानसभा के चुनाव भी होंगे, ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और इन चुनाव के महत्व को समझना हम सबके लिए जरूरी है। इन 5 साल को युवाओं को समझना जरूरी है, बुजुर्गों को समझना जरूरी है, मेरी माताएं बहनें जितनी सामने खड़ी हैं, हम सबको समझना जरूरी है कि ये चुनाव आने वाले समय में निर्धारित करेंगे हम सबके आने वाले 5 साल का भविष्य। और ना जाने एक 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 करके कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए। परिणाम क्या है? परिणाम स्वरूप आज भी हमारे घर के बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हमारे बुजुर्गों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। भाई क्यों ये सुविधाएं, क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? भाई ये किसी से छुपा तो नहीं है कि भारत एक साथ आजाद हुआ था, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए थे, तो क्या कारण है भैया कि कहीं दिल्ली बंबई जैसा चमचमाता शहर बना और कहीं
जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। भाई कब तक बिहार पिछड़ा रहेगा, ये सवाल पूछने की जरूरत है हम लोग को। पूछे सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आज कहते हैं भैया कि हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे तो 20 लाख रोजगार देंगे। पूछिए पिछले 3 दशक से, लगभग पिछले 32-33 साल से, अगर इन लोगों पर नहीं तो आज किस पर भरोसा किया हम लोगों ने। आज जो लोग सत्ता में है पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हैं। 90 के दशक से हम लोग देखते आ रहे हैं लालू जी और उनके परिवार को। पिछले 2 दशक से, 20 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछे इन लोगों से, जब इतना समय आप लोगों को मिला तो आप लोगों ने क्या किया बिहार के लिए? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई 5 बड़े कार्य बता दे कि इन्होंने बिहार के विकास के लिए की हो, ये जो हारने को कहने में तैयार हो। पर हकीकत है कि पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भागने की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी लाभ कभी कुश, कभी कोरी कभी कुर्मी, कभी महिला कभी पुरुष, सिर्फ आपने की राजनीति करने लगा। और आज जब हम लोग इनसे रोजगार मांगने जाते हैं तो बदले में क्या मिलता है भैया? लाठी। और जब हमारे अभ्यर्थी जाते हैं सीटेट बीटेट के, विद्युतीकरणी हो अभ्यर्थी हो, जितने लोग अपने रोजगार मांगने जाते हैं, नियुक्ति की बात करने जाते हैं, तो बदले में मुख्यमंत्री उन पर लाठी।